पीस पकड़ा। आप भाई साथ क्यों उनसे क्या बोल रहे हैं? थोड़ा की देखिए, ये महेंद्र पांडे हैं जो कि लड़की से शादी किए हैं। आपको अफसोस है अपनी? महेंद्र जी साथ में अफसोस है गलती पे? बिल्कुल है, अफसोस है बिल्कुल। लग रहा है कि आप गलती काम किए हैं। चले गए आप, चले क्यों? गलती किए कि नहीं किए हैं? सम्मान के हाथों को नहीं सजाई के इतना लगे अपना सुधर जाई काम का है पहला पहले की रहुआ बेच ले रानी और सारा झूठ बात है। ठीक लोग कहत रहला लोग की पैसा ले नहीं ओकरा नहीं के सिखाते कि जब एक नाम होय त ई अपन माइक को अपन लगा दिया। ओका के सारा सिखा के काम है कि अपन माइक को लगा दिया। ए बेरा जोन भइल बा उ सही बात। क्या कहिएगा? आप भाई साथ क्यों उनसे क्या बोल रहे हो? थोड़ा की देखिए, ये महेंद्र पांडे हैं जो कि लड़की से शादी किए हैं। आपको अफसोस है अपनी गलती पे? महेंद्र जी साथ में अफसोस है गलती पे? बिल्कुल है, अफसोस है बिल्कुल। लग रहा है कि आप गलती काम किए हैं। चले गए आप, चले क्यों? गलती किए कि नहीं किए हैं? बोल रहे हैं कि अफसोस है गलती किए हैं। अफसोस कर रहे हैं कि हम गलती किए हुए देख रहे हैं। क्या कहिएगा? साथ में इन्होंने शादी किया था जो नाबालिग थी, संध्या संध्या, तुमको अपनी गलती का एहसास है? आप मम्मी के साथ रहना चाहती हो? नहीं नहीं, महेंद्र पांडे के साथ ही रहूंगी। बोलिए कि मैं मम्मी के साथ नहीं रहूंगी। देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए इन लोग को, यहाँ पे पुलिस प्रशासन है, यहाँ पे गाड़ी के साथ में यहाँ पे इनको लेकर जाया गया। देखिए अंदर किसी ने घटना है। गिरफ्तार पुलिस द्वारा कर लिया गया है और जो लड़की थी 11 साल की वो भी गिरफ्तार हो गई है। आप खुश हैं? खुश है। महेंद्र पांडे गिरफ्तार हो चुका है, खुश है आप? खुश नहीं है हम सब। आपकी बेटी? अब बेटियों अब काहे खुश ना बानी रउआ? घरे जब हम पहला वीडियो बनाऊ नी तो रउआ कहत नी कि बेटी हमके वापस आई और महेंद्र पाड़े हमरा बेटी से ब्याह कैले बाड़े। हां तो कहले बाड़े। हां ब्याह कैले बाड़े। हां त कहत इतने पर सुलट जा। अच्छा, लेकिन ई कानूनन जुर्म बा, सल्टे वाला मामला नहीं के। मामला सल्टे वाला नहीं के, कानूनन अपराध कैले बा। 11 साल के कैले बा, तो गलती तो कैले बा खुद दे गलती कैले बा। तब का हम का कर सकत हैं बताई? हनीमून जाके 11 साल के लड़की के साथ मना ले बा। अब खुश बनी? अब का खुश है, तन जल होय तन बितिए गए। अब तो हम बदनाम में बदनाम होइयो गए। अब वो बदनाम। अच्छा, ये लड़की 11 साल के लड़की में केहू हनीमून मनावेला आए? तो वो लोग अगर बालिक ना होके तब तक केहू हनीमून मना? अच्छा, रहुओ के एक महेंद्र महेंद्र कहत रहला ना लड़की भी और बोलत रहले कि रहुआ बेच ले रानी। हां सारा झूठ बात है। ठीक लोग कहत रहला लोग की पैसा ले नहीं ओकरा के सिखाते कि जब एक नाम होय त ई अपन माइक को अपन लगा दिया। ओका के सारा सिखा के काम है कि अपन माइक को लगा दिया। ए बेरा जोन भइल बा उ सही बा कि ना? अब भाई बात सही है बा, बाकी हम लड़की अब कह कि हम मम्मी से लगे जाए। मम्मी लगे का? पुलिस प्रशासन का कहला? पुलिस का कहला? अब हमारे कोई सा काम बात भैल लगे, हमारे से बात लड़की से बात भैल? लड़की से अभी बात ना भैल। अभी लड़की से बात पूछा, मम्मी के साथ रहना चाहती हो? बोली कि नहीं, मम्मी के साथ नहीं रहना। नहीं, हमारे साथ उसका भाई है। किसके साथ रहना चाहती है? उसी के साथ रहना चाहती है, महेंद्र पांडे के साथ। वो सब सिखा बुद्धि कर दिया, वो साथ में नहीं रहना। और महेंद्र से हम पूछे कि तुमको अपनी गलती का एहसास है, तो उसने बोला कि हाँ हमको गलती का एहसास है, लेकिन इनकी लड़की बोले कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे। मतलब नहीं, वो लड़की का नहीं ना माना जाएगा। 11 साल की है, नाबालिग है, इस समय कोई भी उसके दिमाग को फेर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, जिधर घुमाएगा उधर वो घूम सकती है। और यही यहाँ पर हुआ है लड़की उसके जाएंगे। जैसा कि आपको बता दें कि जो रात में हमने बात की थी संध्या कुमारी, अलग की हमारे लगे रही उनका हाथ वो गिरा के बस उतना मार के हाथों को नहीं सजाई के इतना लगे अपना सुधर जाए काम का है पहला। लड़की के साथ में जानते हैं कि मानसिक संतुलन क्या हो सकता है, वो कितना सोच समझ सकती है, लेकिन कभी बयान कुछ और कभी बयान करिए। जन भय तो भय मन उतना सजाई ना होता है, थोड़ा बहुत डांट बोल के काम इतने पसंद जाए के चाहे। पांडे का तो गिरफ्तारी हो गई, जेल में जाइए।